हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गीता जयंती 15-14 आपको मिल गई हुई, डे 1 से लेके डे 14 तक आपको दे दी है। और कई कमेंट करते हैं कि डे 30 की डाल दो, 40 की डाल दो, ओवरऑल मैंने सबकी डाल दिया। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आर्यन, हाय कैसा है भाई, आर्यन का मैसेज आया था मुझे। और उसके बाद एक मैसेज आया था कि भाई गीता उपदेश की जो बुक है वो कहाँ मिलती है, कौन से नंबर शॉप है। सबसे पहले मैं वो मैसेज कवर करूँगा क्योंकि भाई ने मुझे पहले भी पूछा था। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगे। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि कल सतिंदर सरताज जाना है यहाँ पे और शाम को 8 बजे तक आएगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि उनको कवर कर लूँ और 90% तक कवर करने के बाद अपलोड भी कर दूँगा। अगर अपलोड करने के बाद तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा, वो वापस अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और दो शॉप नंबर 200, शॉप नंबर 600 पता नहीं कौन सी है, वो भी कवर करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम मैसेज कवर करना है, गीता उपदेश कहाँ से मिलेगा, कौन सी नंबर शॉप पे मिलेगा और कितना प्राइस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार भाई, तूने मुझे पहले ही मैसेज किया था, उसके लिए सॉरी यार, मेरे दिमाग में से स्किप हो गया था। और हाँ, एक चीज़ और, DAV स्कूल वाले का भाई मेरे मैसेज आया था कि भाई DAV स्कूल 7 तारीख और 8 तारीख को आएगा। भाई कवर कर पाऊँ या नहीं कवर पाऊँ ये मुश्किल है, क्योंकि आज भी मैं, जैसे कि आज लेट हो गया, फोल्डिंग फ़ोन की मैं वीडियो बना रहा था। अगर आपने वो देखनी है आपको मिल जाएगी टेक्निकल लवली मनी चैनल पे, जो कि आज बना के आया हूँ, कल सुबह तक या रात तक आपको अपलोड कर दूंगा, देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा टेक्निकल लवली मनी चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, सभी जगह मुझे फॉलो कर लेना। आज गीता जयंती का डे हैगा या तारीख हैगी, मैं बता दूँ, तारीख आज 7 है, कल 8 तारीख है और संडे आज शनिवार है, ठीक है। बस 10 तारीख तक है, 3 दिन रह गए, ठीक है। और 3 दिन तक हम क्या दिखाएंगे, सोमवार को मैं ई रिक्शा में आपको सारी शॉप दिखाने वाला हूँ, A to Z जितनी भी शॉप है, मतलब कि सोचा है ऐसा, और हो सके तो मैं कवर भी कर लूँगा। हाँ, जो बीच में स्कूल आएंगे उनका नाम पूछ पूछ के मैं आपको बताता रहूँगा क्या होता है, DAV भी हो। तो चलो स्टार्ट करें। हम जा रहे हैं जो गेट नंबर 2 है, 2 नंबर गेट से पल्ली साइड जाएंगे और वहाँ से हमें सारा पता लग जाएगा। आज की भीड़ कुछ ज़्यादा है क्योंकि आज शनिवार है, ठीक है। शनिवार भीड़ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सारे कईयों को ऑफिस से छुट्टी होती है, और वैसे भी संडे और सैटरडे ज़्यादा भीड़ मिलती है देखने में। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज जो मैं शूट करने वाला हूँ, मैं ऊपर से करने वाला हूँ, जो इसमें आपको पब्लिक काफ़ी अच्छी दिखेगी। पर मैं वो शूट कहाँ कब करूँगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी तो फिलहाल हमने मैसेज कवर करने हैं, जो भी कमेंट आया उनको कवर करना है, ठीक है। तो चलो आप जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ठीक है। और शॉप नंबर और गीता का कितने का मिलेगा, वो बुक कितने की मिलेगी, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, फिलहाल मैं इसको स्किप नहीं कर रहा, ठीक है। ये शॉप नंबर देख सकते हो, यहाँ पे शॉप नंबर 452 से स्टार्ट हो जाती है। गीता उपदेश जितने भी है वो सारे मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भाई वीडियो में हमने आपको हाँक मारी थी, आपने सुना नहीं। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा सारा ध्यान वीडियो में होता है, ठीक है। जैसे आप शॉप देखने में आपका ध्यान है, तो मेरा सारा ध्यान वीडियो में होता है। और गीता उपदेश भगवत सार, गीता उपदेश यहीं से मिलेगा। और मैं पूछ लेता हूँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहला कमेंट था कि गीता उपदेश कहाँ से मिलेगा। भाई शॉप नंबर है, ये देख सकते हो, शॉप नंबर 450 है, ठीक है। इसके साथ ही 4560 है, ठीक है। तो गीता उपदेश आपको सारे मिल जाएगी और ये आपको मात्र 100 रुपये की मिलेगी। पंजाबी, हिंदी और किस में है, इंग्लिश उर्दू सब में मिल जाएगी, ओवरऑल सारी स्टडी में मिल जाएगी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो। और उसके ऊपर क्या बैनर लगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। भाई का कमेंट कल भी आया था और आप भी आज भी आया था, तो सॉरी भाई कवर करने के लिए लेट हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको गीता उपदेश पे सारी वीडियो मिल जाएगी, मतलब बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, अगर आपने परचेज करनी है यहाँ आ सकते हो, मात्र 100 रुपये की है, ठीक है। और आई होप के ये उर्दू में भी है, ये आप देख सकते हो, उर्दू में भी है, ठीक है। ये किसमें है, अच्छा ये उर्दू में है, और वो ये भागवत, अच्छा ये पंजाबी में तो मुझे पता है। तो फ्रेंड्स इधर भी बुक्स है, ठीक है। अगर आपने इससे रिलेटिव कोई और भी बुक्स खरीदनी है या लेनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये भैया आपको यहीं पे मिलेंगे, ये भैया हो गए, ये भैया हुआ है, ठीक है। शॉप नंबर 456 शॉप नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट हमने कवर कर दिया, ये आपको बाहर लिखा हुआ मिलेगा। जो मैं जा रहा हूँ 615 नंबर शॉप के पास, और पास से जा रहा हूँ मैं, पास ये उसी नंबर, बल्कि 460 नंबर शॉप से गीता उपदेश की बुक मिल जाएगी।
615 नंबर शॉप यहीं पे आसपास आने वाली है, उसी लाइन में आगे जाओगे 615 नंबर शॉप आ जाएगी। उसके बाद है कि 200 नंबर शॉप, और 615 के बाद जो खास है वो मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर चढ़ के कि कितनी भीड़ है। और अगर हम ऊपर से देखते हैं गीता जयंती कैसी लगती है, मुझे इतना लाइक करो, इतना शेयर करो मेरी वीडियो को कि अगले साल मेरे पास इतने पैसे आए कि मैं ड्रोन से शूट करके दिखाऊंगा आपको, बल्कि ड्रोन से शूट करूंगा तो ज़्यादा बेटर एक सीन आता है, बहुत अच्छा आता है। वैसे आज का सीन कुछ ऐसा था कि मैं ना बैठने वाला था वो पंगूड़े में जो गोल गोल घूमता है बड़े बड़े झूले में, और वहाँ बैठ के गीता जयंती शूट करने वाला था कुछ पार्ट, ठीक है। पर क्या हुआ, मैं बहुत हो गया लेट क्योंकि मैं फोल्डिंग फ़ोन की वीडियो बनाने लग गया, जिसके कारण मुझे मैं बहुत ही लेट हो गया, और उसके लिए मुझे पंगूड़े में बैठने वाली वीडियो कैंसिल करनी पड़ी, तो मैं करूँगा जरूर। तो अभी हम आगे जा रहे हैं 215 नंबर जा रहे हैं 615 नंबर शॉप पे, बीच में गलती से निकल गया 215, आई एम सॉरी। अब हम आगे जा रहे हैं 615 नंबर शॉप पे। इधर शॉप्स ये सारी लगी हुई हैं, शॉप सारी लगी है, पर इधर इस साइड ना भीड़ आपको कम मिलती है देखने के लिए, उधर भीड़ बहुत है, ठीक है। इधर हम जा रहे हैं 615 तवा 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 वीडियो बनाते हैं हम जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स हम आगे जा रहे हैं, और आगे आगे जाते जाते हम शॉप नंबर 600 के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। शॉप नंबर ये है 578 भेलपुरी की, ठीक है। अब हमें 600 नंबर शॉप मिलेगी इधर इस साइड मिलेगी 615 नंबर, ठीक है। ये हम 600 पे पहुँचने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम आगे जाएंगे। और ये बॉक्स अखरोट और ये बेर, ठीक है, तो हम आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स शॉप नंबर 590, अगर आपने गीता उपदेश की अगर आपने ऐसी वाली बुक लेनी है, इसमें क्या है, इसमें आपको बल्कि ये पढ़ने वाली नहीं है, ये इसमें आपको ऑटोमेटिकली सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अंदर स्पीकर फिट है, पता नहीं ये रहा स्पीकर, ठीक है। ये आपको मिलेगी 3500 रुपये की, और इसको एक बार चार्ज करके आप 8 घंटे तक आपका इसका बैटरी पैकअप है, ठीक है। अगर आपको लेनी है यहाँ मिल जाएगा, और ये ऑन ऑफ का बटन है, चार्जर है, और हेडफोन भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। बैक में ब्लूटूथ भी अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है इनका नेक्स्ट स्लोक करने के लिए, स्लोक नंबर लिखने के लिए, और इसके साथ आपको रिमोट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपको गीता उपदेश खरीदनी है, बुक खरीदनी है, तो आप ये भी ले सकते हो। बाकी मेरा था कमेंट जो कि मैंने कवर कर दिया, ये सारी बुक पड़ी हुई है, ये सेम ही है, बल्कि आपको ऐसी बॉक्स में मिलेगी ये पैक हुई, ठीक है। जो देख सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। साथ में आपको रिमोट मिलेगा, शॉप नंबर है आप क्या 590, ठीक है, 590 नंबर शॉप है ये, आप शॉप नंबर चेक कर सकते हो। गीता उपदेश आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे 100 रुपये की मिलेगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे आप प्ले करके सुन सकते हो। तो चलो अब आगे चलते हैं। गीता उपदेश के लिए मुझे कमेंट आया था भाई का, परसों चौथा आया था वीडियो में पहले ही, तो वहाँ पे भी 100 रुपये की मिलती है अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं पढ़नी तो 3500 रुपये की है, ठीक है। और गारंटी वारंटी पूछ लेना, मैंने पूछी नहीं, बाकी और भी ऑप्शन थे, ठीक है। इसमें यहाँ पे वूफर वाफर वाला सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने 615 जाना है, अभी तक 600 नंबर शॉप नहीं आई, तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये भाई पीछे से हाई कर रहा है, तो अब हम बहुत स्पीड से जाएंगे आगे, क्योंकि मैं वीडियो के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ कपड़े मिल रहे हैं, और मैं अभी जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूँ, जल्दी आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बढ़िया वाला शूट भी लेना है, जो कि मैंने स्पेशल वीडियो बनानी है, जिससे सस्पेंस आपका मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से आप वीडियो देख रहे हो, तो बीच में स्किप भी कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ, ठीक है। तो चलो चलो 615 पे जाएंगे, उसके बाद 200 नंबर शॉप है, पर 200 पहले से ही। अब 615 के बाद हम मैं पहले कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि दोपहर की खाना मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मुझे लगी हुई है भूख। तो अभी हम खाएंगे पकोड़े, जो कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाई थी, जो मुझे बढ़िया लगते हैं। आज मैं पकोड़े नहीं, आज मैं इनका वो हलवा सा खाऊंगा, तो अभी मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, ओके, ठीक है, और आगे जा रहा हूं बस जल्दी जल्दी 615 कवर करके, उसके बाद ऊपर वाला शूट लूंगा जो कि आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज गीता कल की वीडियो स्पेशल रहेगी खासकर, और कोशिश करूँगा कि आज मुंगूड़े में बैठ के वीडियो बना दूँ, बाकी देखता हूँ अगर बन पाई तो। अभी तो आगे जा रहे हैं। अब नंबर 615 का मैसेज आया था जो कि मेरे पीछे है, और मैं जल्दबाजी में आगे निकल गया था। तो चलो 615 नंबर शॉप दिखा देता हूँ किस चीज़ की है, 615 नंबर शॉप, ठीक है। आप फोकस कर देखिए 615, ठीक है। इनका कमेंट आया था, ठीक है भाई, बीच में हाई हाई कर रहा है। इनका कमेंट आया था, यहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे सेकंड हैंड, बीच में कोट काट ये सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये चको जादू, ठीक है, यहाँ पे ये कितने की है जी, कितने के है, अलग अलग है, कितने से स्टार्ट है, 50 रुपये से स्टार्ट है, और ये सारा अलग अलग है, ठीक है। अगर आपने जादू बनना है तो जादू बन सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। नंबर 615
कपड़ों की है, सेकेंड हैंड कपड़ों की है, और उसमें जादू वाले भी है, अगर आपने वो देखना वो भी देख सकते हो। अभी हम आगे जा रहे हैं और स्पेशल इफेक्ट यूज़ बल्कि करने जा रहे हैं शूट, ठीक है। आज की गीता जयंती में कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी से छोटी बने, और अभी बस मुझे शॉप नंबर 200 कवर करनी है, उसके बाद एक पहले अभी स्पेशल शूट लूँगा, उसके बाद शॉप नंबर 200 कवर। अभी हम जा रहे हैं आगे, आगे जाके मैंने ऊपर जाऊँगा, ऊपर से आपको दिखाऊँगा गीता जयंती में कितनी भीड़ है। आज बहुत भीड़ है क्योंकि आज शनिवार है, ठीक है। आज भीड़ बहुत है, ऐसा नहीं कि आज भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, ठीक है। कल संडे है और कल संडे के कारण आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी संडे के कारण, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, आपको स्पेशल इफेक्ट भी दिखाना है मुझे, ठीक है। अभी हम उसी साइड जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। बाकी आप मेले में भीड़ देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो पूरा पूरा। मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर की इसी साइड में ज़्यादा रहता है, ठीक है। अदरवाइज तो भीड़ में कमी होती है, मतलब कि पहली साइड आप चले जाओगे उधर कम होती है, पकौड़ों वाली साइड में कम होती है, जिधर मैंने वीडियो बनाई है ना पकौड़ों वाली, उधर कम भीड़ होती है, और इस साइड बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा जहर वाली भीड़ होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, बाकी इसमें कुछ कमेंट है वो भी कवर करने होते हैं, तो वो भी कवर करते रहेंगे, साथ ही साथ आपको मेला भी दिखाते रहेंगे, और इसमें आपको लो भाई। तो अभी हम जा रहे हैं मेले की तरफ, और आप शॉप्स देख सकते हो यहाँ पे, शॉप्स नंबर आपको दिखेंगे नहीं, वैसे 28 नंबर शॉप है ये, ठीक है। उसके बाद 29 और 30 ऐसे शॉप्स हम आगे जा रहे हैं, अभी हम इधर जा रहे हैं, और ये आप सरोवर देख सकते हो, अभी पपाड़, अभी हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इधर से मैं इधर जा रहा हूँ क्योंकि इधर भीड़ कम है, ठीक है। अब हम इधर से जाएंगे, ठीक है, और मुझे शूट लेना बढ़िया सा, यहाँ से आपको एकदम नज़ारा आ जाए, और आप कहें कि वाकई यहाँ अभी आज की वीडियो देखने का मज़ा आ गया, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना हर एक वीडियो में, जैसे कि किसी में मैं प्रदर्शनी बढ़िया दिखा रहा हूँ, और किसी में मैं भीड़ दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत भीड़ है, और किसी में मैं झूले दिखा रहा हूँ, किसी में डांस दिखा रहा हूँ। आई होप कि आपको हर एक वीडियो में कुछ अलग कंसेप्ट आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। और मुझे ये नहीं है कि कल भीड़ ही दिखानी है, चलते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो हम जा रहे हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हम बीच में स्किप भी कर रहे हैं, तो क्योंकि जब मैंने शॉप की थी 615 नंबर शॉप की थी, उसके बाद मैंने सीधा एक नंबर गेट के बाद ही चलाई है, ठीक है। और इधर अंधेरा है, और ये मैं शूट कर रहा हूँ 7 बजे, सोच लो 7 बजे यहाँ पे अंधेरा कितना है, ठीक है। तो अब हम अंधेरे में जा रहे हैं आगे, पर शूट सही आ रहा है, मतलब कि वीडियो शूट सही आ रही है, इसके नाइट में भी शूट अच्छा होता है। गीता का ज्ञान की किताब है वो कहाँ से मिलेगी वो मैंने आपको दिखा दी है, शॉप नंबर फिर से बता देता हूँ, 460 नंबर शॉप से आपको गीता का पेश वाली किताब मिलेगी, ठीक है, 460 नंबर शॉप, अगर सेंट चौक 460 नंबर शॉप, लो मिल गए 2000 रुपये, किसी के गिर गए हैं 2000 रुपये, किसी के गिर गए हैं, कह रहे कहीं मिले तो दे दे, पैसे कभी मिलते हैं सोचो, अगर ऐसे पैसे मिलने लगे जिंदा बंदा ईमानदार बंदा दे देगा, ईमानदार बंदा दे देगा। और ये मेले में नज़ारे देख रहे हो, अब आपको दिखाने वाला हूँ, अब तैयार हो जाओ। पहले सबसे पहले मैं इधर से दिखाऊंगा कि भीड़ कितनी है, फिर मैं ऊपर से दिखाऊंगा, सोच करो ऊपर से आपको जब आप देखोगे कितना बढ़िया बढ़िया लगेगा आपको। बाकी इधर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, जो आपने को मैंने कल की वीडियो में दिखाई है वो इधर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं ऊपर से दिखाऊंगा, ओ मेरे झाड़ू लग गया। अभी मैं बाहर वाले एरिया से जा रहा हूँ, यहाँ से बाहर जाना ना, उस एरिया में जा रहा हूँ। भीड़ आप चेक कर सकते हो ऊपर से कितनी भीड़ है, और अभी हम निकलेंगे बाहर, फिर मैं आपको पूरी भीड़ दिखाऊंगा ऊपर से। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर से, आप देख लो कितनी भीड़ है, चेक करो बढ़िया लग रहा है ना, कितनी भीड़ है आज, इधर भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये चेक कर लो, बेहतर वाला नज़ारा, ठीक है, ये आप देखते हो कितनी भीड़ है, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त वाली भीड़ है, ये मैं ऊपर से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर आना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं भाई ने मुझे परमिशन दे दी, इतने काफ़ी है,
ठीक है। अब अल्ट्रा वाइड एकदम मतलब कि नेड़े से और दूर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा ब्रह्मसवर आप देख पा रहे होंगे ना, तो गाने ना स्टार्ट हो जाए। लाइटिंग शो शुरू होने वाला है, ठीक है। किसी ने पूछा था कि इस यहाँ पे क्या होता है, तो भाई लाइटिंग शो मैंने डाल रखा है बहुत पहले का, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो ऊपर से कैसे खचमच हो रही है, ये आप चेक कर सकते हो। नहीं भाई कहीं नहीं जाता, भाई कहीं नहीं जाता, चेक कर लो चेक। तो फ्रेंड्स शूट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। वो सारा ब्रह्मसवर बड़ा हुआ है, ठीक है। मंदिर तक आप चेक कर सकते हो, चेक 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 कर सकते हो। ये स्पेशल शूट उधर ब्रह्मसवर शुरू, लाइटिंग शो शुरू हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये लाइटिंग शो शुरू हो गया है, स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। किसी ने अगर लाइटिंग शो का स्टार्टिंग नहीं देखी तो देख सकते हैं, ये लाइटिंग शो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो गया। ये कुरुक्षेत्र का क्या सारी हिस्ट्री क्या है, कुरुक्षेत्र का नाम कैसे पड़ा है, ये सारे इस वीडियो में दिखाया गया। अभी चेक करो आप नीचे, तो यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट है अगर आप लाइटिंग शो देखते हो। चलो अब नीचे चलते हैं, ये शूट नज़ारा देखे बढ़िया लगा ना, कितनी भीड़ थी, एकदम जमा खचा खच भीड़ पड़ी थी। अब बस अब मैंने आपको शूट दिखाना है जो कि शॉप नंबर 200 कवर करेंगे, उसके बाद एंड। और जाते जाते मैं आपको बीच में लाइटिंग शो भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम आ गए हैं वापस अंदर, मैं ऊपर गया था छत पर, यहाँ से मैंने शूट किया, वो एरिया दिखा देता हूँ। मैंने जो शूट किया है अभी इसी जगह से किया है, ठीक है। और यहाँ अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए क्योंकि लाइटें लगी है, करंट करंट भी पड़ सकता है, और बाकी घिर के कोई टांग पा तड़वा ले तो पुलिस वाले के ऊपर दिक्कत आ जाएगी ना, तो इसलिए। तो चलो आप थोड़ी भीड़ दिखाते हैं, और बैक कैमरा आपने ये भीड़ आपने यहाँ ऊपर से देखी, यहाँ इस पोर्शन से मैंने कवर की है, ठीक है। तो ये आप अभी हम आगे जा रहे हैं, आज भीड़ बहुत है, ठीक है। अभी बीच में जाता हुआ मैं लाइटिंग शो भी दिखाऊंगा आपको, बेफिक्र हो मेरे साथ, ओ हो गया। तो अभी लाइटिंग शो भी दिखाऊंगा, और लाइटिंग शो के पास बहुत भीड़ होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर से, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब ये ब्रह्म सरोवर की क्या कहानी थी, बहुत अच्छा है। लाइटिंग शो देखो, ओ जहर, लाइटिंग शो बहुत अच्छा है, ये चेक कर सकते हो। ये भाई कह रहा मैंने शून्य में समाया हुआ था, बोल रहा नहीं, शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। तो फ्रेंड्स लाइटिंग शो में आप देख सकते हो कितना जहर जहर वाला लाइटिंग शो, जहर वाला एक वीर का निर्माण किया, अग्नि का आह्वान किया गया, ये है लाइटिंग शो की उत्पत्ति हेतु पहला यज्ञ आरंभ हुआ। जहर 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 वाला लाइटिंग शो देख रहे हो आप, ऐसे आहुति पाकर अग्नि बढ़ती है, वैसे ही ये ऊपर बहुत बड़ी, अभी आपको नहीं जो जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना, अस्तित्व में आया यह भूखंड भी ब्रह्मा की उत्तर वेदी के स्थान पर मैंने यानी ब्रह्म सरोवर में स्थान पाया। ये देख सकते हो आप, इस भूभाग के दक्षिण में सरस्वती और उत्तर में दृष्टद्वति नदी, आपको स्टोरी सुन रहे होगी पीछे, और ये लाइटिंग शो जो चल रहा है ना, ये वाला बहुत औसम है, देवतुल्य ऋषि मुनि अवतरित हुए, ये इधर कुछ दिखा रहे हैं, चित्र भी बना के दिखा रहे हैं, वेदों की रचना होने, बाकी इधर लाइटिंग जो चल रही है वो पेडिंग के ऊपर भी दिख रही है, बहुत औसम वाला। अगर ये इधर पर्दा लगा लेना तो मजा आ, और ये जगह ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहलाई, ये वीडियो के थंबनेल लगा, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, तो क्या यहाँ का नाम हमेशा से कुरुक्षेत्र नहीं था? तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ब्रह्मा की उत्तर। चलो हम आगे जा रहे हैं जल्दी, बनने की पर ये लाइटिंग शो बहुत अभी कई मोड़ आने बाकी थे, जहर वाला। तो हम आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, देखो लाइटिंग शो, ओ जहर वाला, मैं
वैसे ये लाइटिंग शो नहीं है, लाइटिंग शो को स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे है, ये बीच में शावर चल रहे हैं, ये बहुत ऑसम लग रहे हैं और ये लाइटिंग के कारण एंड जग रहे हैं। परशुराम ने जन्म लिया, वे भगवान विष्णु के। तो हम आगे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम आगे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं 200 पे। और एक चीज बता दूं, जिस स्कूल कौन सा है, कौन सा स्कूल है मुझे पता नहीं है, ठीक है। और 7 बजे चलता है लाइटिंग शो, 7:30 एक सेकंड, 7 बजे चलता है, 7:15 शो चलता है, जो लाइटिंग शो चलता है, 7:15-7:30 भी चलता है। अभी ये 7 बजे वाला, उसके बाद 8:15 8:30 और पिता का, मतलब कि 8 घंटे के बाद चलता है ये, उसके बाद 8:15 चलेगा, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं शॉप नंबर 200 पे, उसके बाद मैंने ओवरऑल आज की गीता जयंती कवर कर ली है सारी, उसके बाद एंड करेंगे। मैं सबसे पहले वीडियो डालूंगा गैलेक्सी फोल्ड की, फ़ोन एडिटिंग करके डालूंगा, उसके बाद इसकी डालूंगा। इसकी वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगी, या रात को 1-2 बजे तक मिल जाएगी, क्योंकि मैं टाइमिंग नहीं देखता, क्योंकि ये मॉर्निंग में लोग देख ही लेते हैं। तो बस अब आगे जा रहे हैं और आगे आपको भीड़ दिखाता हूँ। ड्रोन आ जाएगा ना, तो ड्रोन से आपको बढ़िया बढ़िया मैं शूट दिखाया करूँगा, कहाँ से शूट लेने हैं, कैसे शूट लेने हैं, वो सारे दिखाऊंगा। आप बेफिक्र हो, एक तो चट वाला शूट दिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम पहुँच गए नुक्कर पे, ये आप देख सकते हो जो भी ब्रह्मशोर पे चल रहा है, सारी की सारी आपको प्रदर्शनी देखने को मिलती है। आप यहाँ नुक्कर पे खड़े होके बैठ के देख सकते हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं 150 नंबर शॉप पे, ठीक है। ये लड़कियाँ मुझे धक्का मार के गई, बदतमीज, कहती साइड में हो जा, तू साइड में होकर निकल जा, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, शॉप नंबर 200 पे, ठीक है। और भीड़ देख सकते हो, ठीक है, यही भीड़ मैंने ऊपर से भी दिखाई है, ऐसी बात नहीं कि ऊपर से नहीं दिखाई, ठीक है। और ये पिपड़ियाँ सी देख लो, पिपड़ियाँ सी आप देख सकते हो, ठीक है। जिंदगी झंड हो रखी है ना, बाकी कईयों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं नज़ारे तो मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है, पर उनको पूछे कि जो बंदा शूट कर रहा है वो नज़ारे कैसे ले सकता है, क्योंकि सारा ध्यान तो शूट में रहता है, हर किसी को दूसरे का काम अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल तो ठीक है, मज़ा तो आता है, खैर मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और वीडियो बन गई 1 मिनट की, क्या बात है, 1 मिनट की वीडियो बन भी गई और पता भी नहीं चल रहा। ये इधर शॉप्स हैं, ठीक है, शॉप चेक कर सकते हो, ये शॉप नंबर है कि यह पता नहीं कितना मुझे दिख नहीं रहा, शॉप नंबर ऊपर दिखता नहीं अच्छे से, क्योंकि रोशनी चल रही होती है ना ऊपर, लाइटिंग के कारण दिखता नहीं। ये 175 नंबर शॉप है, शॉप सारी देख सकते हो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओनली सारी शॉप्स दिखाऊंगा ई रिक्शा पे बैठ के, वो वीडियो छोटी बनेगी, ठीक है। पॉपकॉर्न, अरे यार पॉपकॉर्न वाले भाई ने मुझे ना कमेंट किया था कि भाई मेरा ये एक वीडियो ले लियो यार, मैंने बड़े प्यार से बोला था, तो वो मैं लेना ही भूल गया। मुझे वो शूट भी लेना चाहिए था जो भाई ने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरी वीडियो ले लियो, तो वो मैंने ली नहीं। कोई बात नहीं, हम स्पेशल वीडियोस की कवर कर लेंगे, ठीक है ना। पता क्या होता है, मुझे ओवरऑल सभी कमेंट के रिप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है। अगर आप इतने प्यार से कमेंट करते हो, सपोज करो आप मुझे प्यार से नमस्ते बुलाओ और मैं नमस्ते का जवाब ना दूँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा। कोई बात है ना, जैसे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप लाइक नहीं करते तो कितना बुरा लगता है। तो इसी तरह मेरी हर एक वीडियो को लाइक करो, हर एक वीडियो को लाइक करो, तो ये आप चेक कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ आगे और भीड़ है कि खचाखच भरी हुई, ठीक है। बीच में सफाई अभियान भी है कि हाँ भी सफाइयाँ भी साथ के साथ चल रही है। शॉप नंबर हम 99 पे पहुँच गए हैं, उसके बाद हमारी वीडियो का एंड कर लेंगे वीडियो का, हम इतनी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। आप भीड़ देख सकते हो, ठीक है, लाइटिंग शो उधर चल रहा है, ठीक है। ये भाई ने किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप ये स्क्रीन अंदर क्या है वो मुझे बताना जरूर, तो भाई इसमें लाइटिंग शो चलता है और कुछ नहीं, जो कि मैंने अभी दिखा भी दिया, वैसे मैंने इसकी स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। तो अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है, ये हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जाएंगे। ओके फ्रेंड, शॉप नंबर आ गई ये 200, मुझे कमेंट आया था 200 नंबर शॉप का, और 200 नंबर शॉप ये है, ठीक है, ये नंबर है 200 है। अब 200 नंबर शॉप कैसे है, ये है या ये वो है? 200 नंबर शॉप आ गई बाथरूम की करा, ये है 200 नंबर शॉप, जिसमें सारे कप कुप पड़े हुए हैं, कप आपने देखने हैं तो देख सकते हो सारे, इधर भी है। और ये ऐसे वाले मैं प्रेजेंट टाइम तो 200 नंबर शॉप पे खड़ा हूँ, ये 201 है, वो 199 थी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो कप, ठीक है। हम बाहर चलते हैं शॉप नंबर 200। बेसिकली शॉप नंबर जो 200 बनी हुई है ना, उसमें ना वॉशरूम बना हुआ है,
और इधर 201 है और इधर 199 है, तो अब कौन सी 200 है जी, आपने आप हिसाब लगा लो। ठीक है, कमेंट आया था 200, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि एक एक तीर से दो निशाने किए जाए, ये भी कवर और ये भी कवर। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं बढ़िया शूट दिखा सकूँ और बढ़िया कवर कर सकूँ, बाकी हमेशा मेरी यही कोशिश होती है और इधर से ज़्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है और कुछ तो है नहीं, मिला आपने देख लिया है सारा ओवरऑल, मैंने सारी गीता जयंती की वीडियो बना दी है। और कल मैं आज का सीन था कि आज मैं चूल्हे पे बैठ के वीडियो शूट करने वाला था, जो कि मैंने आज नहीं की क्योंकि मैंने फोल्ड की वीडियो बनाने लग गया था, उसके कारण मेरे वहीं पे 5:30 बज गए थे। जब मैं जहाँ पहुँचा तो 6 बज चुके थे, तो 6 बजे अगर मैं वहाँ जाता तो मैं ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि वो वीडियो जिस दिन मैं बनाऊँगा वो वीडियो लंबी होगी। सपोज़ करो अब ऐसे मैं चूल्हे पर बैठा हो रहा है, ऐसे आप पूरा घूम रहे हो, कितना वैसे वेदर तो बहुत अच्छा लगेगा, इफेक्ट कितना अच्छा आएगा कैमरे से। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ, झूले पर बैठेंगे रिकॉर्ड करेंगे। आ रहा था झूले पे, जाने का मूड हो गया कैंसल, क्योंकि कल है कि भीड़, कल करेंगे हम वो वाला शूट, हम करेंगे नहीं कल। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो और इसी तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहे, और हाँ मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करते रहे। तो आज की गीता जयंती इतनी काफ़ी है, कमेंट मैंने सारे रिकवर कर दिए और आज के लिए बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। मेरा स्विमिंग बाय मनी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं बाइक्स और मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ, बाइक्स की डिटेल बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो दूसरी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।